अब इसमें यह विषय आ गया, साधु के जीवन में भी क्रोध आ सकता है। तो क्या कोई साधु का क्रोध ऐसा क्रोध होगा कि वो अपनी जन्म देने वाली माता से कह दे कि तेरे कीड़े पड़ना चाहिए? क्या एक साधु के क्रोध में यह भी कहा जा सकता है कि तेरी जुबान कट करके गिर जाए? और अगर कोई व्यक्ति अपनी जन्म देने वाली माता से अपशब्द कह रहा है तो साधु कैसा? और यदि यही कहने पर वो साधु है तो फिर दुनिया में मां का महत्व कैसा? ये एक विषय आया, इसको समझ लो। सरदार बाबू आगे आ जाओ, अब तुम बैठ के समझ लो, नहीं बाद में कहोगे महाराज जी ध्यान व्यवस्था इनको बहुत करना होता है। आज तो बहुत सभी लोग आ ही गए हैं, आज तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग सब करेंगे, छोटे भाई हैं सब तुम्हारे, बैठ जाओ। हाँ तो आनंद से सुनो। विनय ने भी कहा था गुरुजी एक बात जरूर सुनाना, एक ही वाक्य सुनाऊंगा बस भरत जी के बारे में। क्या एक साधु अपनी माता से अपशब्द कहने के बाद भी साधु है? और है तो साधुता का मानक क्या है? क्या मानक है? कैसे उसको साधु मान लिया जाए? और श्री भरत जी ने क्रोध में आकर के अपनी कैकेयी माता से कह दिया क्या? री मैया तेने काठानी मन में रामुशिया भेज दये री बन में रामुशिया भेज दये री बन में हठिली तेने काठानी मन में रामुशिया भेज दये री बन में रामुशिया भेज दये री बन में।
जीह परे हु नकीरा बरमागत तो ही भयहु न पीरा बरमागत तो है भयहु न पीरा। तेरी जुबान कट करके नहीं गिरी, तुझे कीड़े पड़ना चाहिए। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाए। भाई दिन कर कुल कंठ कुठारी, तू मेरे परिवार को काटने की कुल्हाड़ी बन गई। तुझे विधाता ने मेरी मैया क्यों बनाया, तुझे तो मेरी मैया बनाना ही नहीं चाहिए। जननी तू जननी भाई विदिशन कछु न बसाए, विधाता से कुछ कह नहीं सकता, तू मेरी माँ क्यों बनी, मेरी आंख के सामने से चली जा, तू मेरी आंख के सामने से हट जा। तेरे कीड़े पड़ना चाहिए, तेरी जुबान कट करके क्यों नहीं गिरी। और जब भरत ने ऐसे अपशब्द बोले तो कैकेयी अम्बा ने कपाट बंद कर लिए, और कपाट बंद करके पलंग पर बैठ गई, आंखों में आंसू भराए। और आज जो कैकेयी कह रही है ये समझने वाला बिंदु है। कैकेयी अम्बा के आंखों में आंसू हैं और पलंग पर बैठी है और क्या कह रही है, तेरे कारण वैधव्य लिया, तेरे कारण वैधव्य लिया, मैंने उजाड़ सिंदूर दिया। जिस भरत के पीछे मैं विधवा हो गई, मैंने अपने हाथों से सिंदूर पोछ दिया। केवल मेरी आकांक्षा थी कि भरत मेरा राजा हो जाए, और मैंने जिस बेटे के लिए सब कुछ किया, आज मेरा वही बेटा कह रहा है कि तेरे कीड़े पड़ना चाहिए, तेरी जुबान कट करके गिरनी चाहिए। भरत मैं समझ नहीं पाई, मैं तो सांप को दूध पिलाती रही, मैं तो समझ ही ना पाई, तू तो मेरा बेटा होने लायक ही नहीं था। भरत आज मुझे ये ज्ञान हो गया, तू अच्छा नहीं है, तुझसे अच्छा तो मेरा वही बेटा था जिसको मैंने बिना अपराध के 14 वर्ष के लिए घर से निकाल दिया, और उस बेटे ने मेरे पांव छुए और मुझसे कहा मां मैं 14 वर्ष बाद वापस आऊंगा। भरत तू अच्छा नहीं है, मेरा वही बेटा अच्छा था। ऐसा कहकर के रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए। और जब कैकेयी माता रोने लगी तो श्री भरत जी बाहर खड़े खड़े मुस्कराने लगे। शत्रुघ्न जी ने कहा ये नाटक समझ में नहीं आ रहा है, भीतर मैया रो रही है और आप यहां खड़े खड़े मुस्करा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। भरत ने कहा शत्रुघ्न माता को अपशब्द कहना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था, माता को गलत कहना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैंने माता से यह गलत क्यों कहा, बस मैं यही चाहता था कि मैया तुम्हें भरत अच्छे लगें, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें तो राम जी अच्छे लगें, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो साधु कौन, साधु वो जो एन केन प्रकारेण डांट के दपट के भगवान की उपासना में लगा दे और संसार की वासना से हटा दे, उसी को बोलते हैं साधु। इसलिए भरत जी साधु हैं, भरत जी ने माता के हृदय में जो भरत बैठे हैं उनको निकालने के लिए भरत जी ने ऑपरेशन किया, ऐसे शब्दों के बाण चढ़ाए कि भरत उस हृदय से निकल जाए, उसमें राम बैठ जाए, और यदि राम उस हृदय में बैठेंगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुमने राम की जगह भरत को क्यों मान लिया, इसलिए भरत जी साधु हैं। तात भरत तुम सब विध साधु।